अच्छा बताइएगा कि जो है उनको कितने रोज़ा रिमांड के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया? रिमांड दे दिया और मैं नहीं समझता ये रिमांड का केस था। 406 FIR झूठ और फ्रॉड पर मबनी थी, मुद्दई आपके सामने आ गया, पूरे सोशल मीडिया ने बता दिया कि वो पोलिंग एजेंट था, उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ था, कोशिश करके देख ली और ये जुल्म या ज्यादती आप सब लोगों ने एक एक चीज़ तो देख ली है। अब अगर इन चीज़ों को सामने रख कर देखें तो ये हमने यही कहा कि मुद्दई कहाँ है। और कमाल की बात है वो जो डॉक्टर अशर जिसका जिक्र था उसको बाकायदा जो है वो आने के लिए तैयार था, उसको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। वो जिस गवाह का जिसका जिक्र करने की बात थी वो यहाँ तक पहुँच नहीं आया। अब इन मामलों को ख़त्म करना है, बहुत हो गया है, किधर लेके जाएंगे? पुलिस पे लोगों का एतबार उठता जा रहा है। रात 33 के करीब लोग आए, गाड़ियाँ तोड़ी, हमारी गाड़ी तोड़ी, ड्राइवर का मोबाइल पता ही, तकरीबन 12-13 मोबाइल छीन लिए गए, डर और खौफ। और आज भी आपने देखा कि यहाँ वीडियो नहीं बनने देनी, भी क्या हो गया है? क्या लोगों को सच नज़र आना चाहिए, सच पता चलना चाहिए? अदालत के अंदर भी आप कम लोगों को जाने दिए गए, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया। ये जो भी तरीक़ाकार चल रहा है ये फसाइयत है, इस फसाइयत से जान छुड़ानी बहुत ज़रूरी है। और ये जो अदालतों में आके आप 400-400 पुलिस वाले लगा दे रहे हैं, साहब से भी मोबाइल छीनने की कोशिश की गई जी, बिल्कुल शाकिर अवान साहब से भी मोबाइल जो है छीनने की कोशिश की गई, लेकिन ये अब चूंकि एक स्मार्ट कोर्ट रिपोर्टर हैं तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह जो है वो अपने आप को खुद भी बचाया और मैनेज भी किया। बहरहाल हमने देखा कि 7-8 ऐसे लोग वहाँ पे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से थे, डिजिटल जो है वो जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से लोग थे जिनसे मोबाइल छीने गए, आठ ही जी। अच्छा ये जो लोग जिनके मोबाइल जो है वो छीने गए, ये फिर बड़ी इनअप्रोप्रिएट किस्म का बिहेवियर है। मुझे बताएं ये जो रियासती सतह पर 800 पुलिस वाले 400 पुलिस वाले आते हैं, 50-50 गाड़ियां ऊपर वाले दो टिकट पकड़ के लिख दिया करें उसी पे, क्या ये एक अकेली गाड़ी में मोहम्मद इब्राहिम रियाज खान एक इंस्पेक्टर या चार तीन टिकट पकड़े उसी बना के पिकअप कर दे भाई, ये अदालतों को पूरा हाईजैक करना। जब मैं टॉक एक टॉक है वो मैं बना रहा हूं ना रियाज केस में, मैं इस टाइम दोबारा ऑफिस आया हूं इस केस। इशफाक भाई आप जानते हैं कि हमने सुबह लाहौर हाई कोर्ट में, हां जी हां जी, मैं उस केस की वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, थी हमें पता था, खदशा ये था कि मुमकिन तौर पर ये इसको डिली करेंगे, डिले करेंगे या किसी लीगल फ्रेमवर्क में लाने से गुरेज करेंगे। तो जो ही इनको पता लगा सुबह 10:30 बजे पिटिशन फाइल हो गई, अब तो बल्कि अदालतों के रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इनके करिंदे बैठे और इनको फौरी रिपोर्ट करते हैं इदारों को। वो रिपोर्ट किया तो 12 बजे हमने देखा कि CCPO लाहौर जो है वो मूवमेंट हुई है और वो चीफ जस्टिस के पास आए, और फिर हमने देखा कि यकायक जो आधे घंटे में यहाँ पे प्रॉबली हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मलिक शहजाद खान, उन्होंने बड़ी प्रोएक्टिव जो है वो जुडिशरी की जो यहाँ पे इंटेग्रिटी है उसको रिस्टोर करना किया, और वो नज़र आता है कि वो एक थोड़े कंक्रीट किस्म के सॉलिड मेजर्स ले रहे हैं। तो अब उनकी वो देखें ना, उसका एक जुडिशल स्क्रूटनी का या जुडिशल इनका ओवरव्यू का एक इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हुआ है। अब उसी वक्त फिर हम हाईकोर्ट नहीं थे, हमारा